इस वक्त हम हैं कृष्णा नगर में, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब हैं, उनका घर है और डॉक्टर साहब भी हैं साथ में और डॉक्टर साहब के माता जी भी हैं साथ में। डॉक्टर साहब, एक तो डॉक्टर वाली डिग्री, एक पॉलिटिक्स में डॉक्टरेट हो गए आप, तो मैं क्या आपको बोलूं, माता जी से ही पूछता हूं, मैं क्या बोल करके इंट्रोड्यूस करूं आपके पुत्र को, चीफ मिनिस्टर, वुड बी चीफ मिनिस्टर, कुछ देर में रिजल्ट आने वाले हैं। बेटा मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकती क्या कह के बोलो तुम, मैं तो सबको बेटा कह के बोलती हूँ, इनका मुझे पता नहीं तुम क्या बोलो। अब आप ही बता दीजिए, माता जी ने छोड़ दिया है, कहा कि आप डिसाइड करें कि मैं आपको किस रूप में इंट्रोड्यूस करूं। डॉक्टर हर्षवर्धन द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। अब ये तो जनता तय करेगी, तो थोड़ी देर की बात है, 24 घंटे में तय हो जाएगा, आप टेंशन कर रहे हैं। ये पूरा सफर जो संघर्ष का सफर रहा, कभी सोचा था कि कभी पर्चियां लिखते लिखते कभी दिल्ली की फाइलें साइन करेंगे आप? पहले तो 20 साल से साइन कर ही रहे हैं कोई नई बात तो नहीं है, पहले साइन करने के बारे में तो 20 साल पहले ही फाइन साइन करना शुरू किया था, मुझसे बात कर रहे हैं आप? ठीक जी, अभी तो पल्स रेट वगैरह सब, मैं सुन रहा था कि सब सब नॉर्मल है, पल्स रेट भी नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। बहुत सारे पोल्स डॉक्टर साहब आ गए अब तो, हालांकि कुछ देर में फाइनल वाले रुझान आ जाएंगे, बहुत सारे पोल्स आए हैं, एग्जिट पोल, प्री पोल, पोस्ट पोल, बड़ा कंफ्यूजिंग है। कोई हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हम तो दिल्ली की जनता की पल्स को देखकर हमने हमेशा से बयान दिया है कि भाजपा को दिल्ली की जनता अच्छा समर्थन दे रही है और आशीर्वाद दे रही है अपना। ये जो पोल्स हैं, ये पोल्स वगैरह तो ठीक है, अपना उनका आकलन होता है, लेकिन हम तो जो जमीन पे देखते हैं उसके आधार पर आपको कह सकते हैं, पोल्स के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये जो मिठाइयाँ हैं, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये रिजल्ट के बाद खाने की स्थिति रहेगी या इसका रिजल्ट से कोई लिंक नहीं? मैं तो सिंबॉलिक तौर पे ही कह रहा हूँ, ये मिठास है, जीत की मिठास। ये 365 दिन जो भी घर में आता है उसके लिए कुछ ना कुछ जो है, जो भी घर में उपलब्ध होता है वो रखा होता है, वो कोई नॉर्मल चीज़ है, उसमें अब नॉर्मल कुछ उसका चुनाव से कोई संबंध नहीं। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि राजनीति में कोई अछूत नहीं होता है, तो मैं बड़ा सोच रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि वो किसको कह रहे हैं कि वो अछूत नहीं है, मुझे लगा कहीं वो आम आदमी पार्टी को तो नहीं कह रहे हैं। अब उनके बयान के बारे में आप उनसे संपर्क करके उनका व्यू पॉइंट लीजिए, मुझे पता नहीं उन्होंने किस कंटेक्स्ट में क्या कहा, मैंने उनका बयान सुना भी नहीं है। अगर शॉर्टफॉल हो जाए तो कहते हैं किसी के बीच में 36 का आंकड़ा नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से कोई इसकी संभावना नहीं है। अगर हुई तो? अब होगी तब देखा जाएगा, लेकिन इसकी कोई संभावना नहीं है, सिर्फ थियोरेटिकल रह जाएगा प्रश्न आपका। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है? बिल्कुल। आज आप उतना खुल के नहीं बोल रहे हैं जैसे पहले बोला करते थे, इसकी गवाह माँ जी भी होंगे। अभी 24 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा, तुले शब्द 24 घंटे से कम समय में रिजल्ट आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा सबके, तो फिर अब अभी क्या खुल के, इसमें कोई हम पंडित तो है नहीं कि हम कोई चीज़ खुल के बोलेंगे, लेकिन जो जनता ने हमें प्रेम दिया है, विश्वास दिया है, आशीर्वाद दिया है, जो हमने महसूस किया है, उसका हमारा आकलन है कि हमें जनता स्पष्ट आशीर्वाद दे रही है। माता जी, ये आपके बेटे, आप तो छोटे से इनको बड़ा किया है, तो अगर मैं ये कहूं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री हो जाए आपके पुत्र, तो सबसे पहले एक माँ का क्या आदेश होगा मुख्यमंत्री पुत्र के लिए? मैं तो कुछ बता ही नहीं सकती, मैंने कभी सोचा ही नहीं था, अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं, सोचा नहीं था, सपना भी नहीं देखा था। ये तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो और कम समय देंगे, ऐसे ही सुना है, बहुत कम समय देते हैं घर में, क्या फर्क पड़ेगा, जनता को तो देगा ना, जनता का तो करेगा, हमारा ना करेगा तो हमारा फिर भी करेगा, जितना बनेगा उससे ज्यादा करेगा, ऐसा नहीं है, जनता का करेगा साथ साथ हमारा भी करेगा, और अभी भी करा है,
हम तेरे तेरे दिन अस्पताल में पड़े रहे हैं, तेरे दिन तक वहीं पड़ा रहा है, जनता भी संभाली है फोनों पे, ऐसा नहीं है। हमें विश्वास है कि हमारा बेटा बहुत लायक है और बहुत समझदार है, वक्त से पहले वो काम को संभाल लेता है, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने कभी आज तक नहीं कहा ये सामने बैठा है पूछ लो कि हमें बुखार है, इसको पहले ही सपना आ जाता है हमें बुखार है आज, ये पहले ही समझ जाते हैं कि माँ को बुखार है, कभी हमें कहना नहीं पड़ा। कभी की बात तो अलग है, कभी कहना नहीं पड़ा। ये कह रही हैं कि माँ की दर्द को आप पहले ही से भाप जाते हैं, माँ को बताना नहीं पड़ता है, और एक दिल्ली भी माँ है जी, समझ रहे हैं दिल्ली के कष्ट को भी समझ रहे हैं। बगल में आपकी यमुना माँ भी बहती है जी, यमुना माँ भी है और भारत माँ भी है, और उस कष्ट को दूर करने के लिए जो आपको कष्ट होने वाला है, जो परेशानियां, जो चैलेंजेस, कोई कष्ट नहीं है, तो चैलेंज तो है नो डाउट, समस्याएं विकराल रूप ले चुकी हैं, उनको समाधान करने के लिए समय भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, पूरा हार्ट एंड सोल भी लगाना पड़ेगा, करेंगे, कोई टेंशन नहीं। ये आम आदमी पार्टी ने कितना अफेक्ट किया, अब तो चुनाव खत्म हो गया, अब तो पॉलिटिकल का देखिए नतीजा आएगा तब पता लगेगा ना, लेकिन जो रुझान है या जो जो लोग बात करते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि शुरू में जिस तरीके से अंडर एस्टिमेट किया था आम आदमी पार्टी को, दूसरे तीसरी जो पोजीशन के लिए आपस में लड़ रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, बीजेपी को कोई थ्रेट नहीं है उससे, लेकिन लगा नहीं कि शायद कुछ ज्यादा हल्के में ले लिया था आम आदमी पार्टी? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम तो अपने कैंपेन पे फोकस कर रहे हैं, हम अपनी योजना बता रहे हैं लोगों को, अपना विजन बता रहे हैं, अपना इरादा बता रहे हैं, अपना काम जो हमने किया बता रहे हैं। अगर ये दूसरे क्या कर रहे हैं, हमने इसकी बॉर्डर नहीं होते, तब जब नरेंद्र मोदी आखिरी दौर में जब दिल्ली में कैंपेन कर रहे थे तो जेपी मूवमेंट से शुरू किया, अन्ना हजारे को सलाम किया, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल पे आ गए। उनका एक मत है, उन्होंने व्यक्त किया है, राजनीति में जो भी लोग राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं उसके बारे में कोई मत है तो आदमी व्यक्त करता है, उन्होंने किया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगता नहीं है कि आप कुछ ज्यादा बोल लेंगे अभी, और यूं तो आप बोलते बहुत हैं लेकिन आज लगता है ज्यादा। ये माता जी जब क्रिटिकल पोजीशन रहता है तो ऐसे ही शांत हो जाते हैं, घर में भी चुप हो जाते हैं, शुरू से ऐसे ही है, कभी ज्यादा फालतू बोलता नहीं, मैं फालतू बोलता हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ, मेरे बोलने से दुखी है सब। चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, उनकी माता जी हैं, और उधर काउंटिंग भी है, देखते हैं कि नतीजे क्या आते हैं। अक्सर मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में जो होने वाला है वो कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी दिल्ली में आ जाएं, चांदनी चौक सीपी घूमे, तो वो आज अभी कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं है। अक्सर मैं ये कहता हूँ कि वो है ना रिपोर्टर्स कुछ है वो पीस टू करते हैं, कहते हैं ये जी चुनाव नतीजे आएंगे फिर देखना है ऊँट किस करवट बैठेगा। कुछ लोग मजाक में हमारे मित्र हैं वो कहते हैं कि ये भी देखना है कि ऊँट बैठेगा भी या नहीं बैठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, वापस आपके लिए चलते हैं मेन स्टूडियो।